एक साल से देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल बेड है और ना ही जीवन रक्षक दवा। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार मोदी और खट्टर सरकार पर निशाना साध रही है। अब हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश व प्रदेश को राम भरोसे छोड़ अपना पीछा छुड़वा लिया है। कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, हिसार में और अब पूरे हरियाणा में सेवा ही समर्पण अभियान श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के हम सब साथी कर रहे हैं। पहले भी एक साल से आप इस बात के चश्मदीद गवाह हैं पंजाब केसरी के, इन सारे शहरों के अंदर हर सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक तक पीपीई किट, सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन और हैंड सैनिटाइज़र हमने पहुंचाए थे। तीन बार पूरे कैथल शहर को, गुलाचीका को, सीवन को, इन सारे कस्बों को हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट से, चार्ली टोर्नेडो मशीन से सैनिटाइज किया है, अब फिर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जहां यथा संभव मदद है दवा और ऑक्सीजन की, अब हमने वो सेवा भी साथ में शुरू की है। कैथल में इस समय सोडियम हाइपोक्लोराइट का स्प्रे हो रहा है, बहुत जल्द वो सीवन आएगी मशीन, सीवन से जाएगी गुलाचीका, ढांड, पुंडरी, कलायत, राजौंद, इस प्रकार से। तो ये हमारा कोशिश है कि एक जान भी कोरोना से अगर बच सकती है तो सारे साथी मिलकर बचाएं, क्योंकि खट्टर सरकार या मोदी सरकार नाम की कोई चिड़िया बची नहीं। मोदी जी और खट्टर साहब कहते थे आत्मनिर्भर बनाएंगे, उन्होंने कह दिया जैसा बस और ट्रेन में लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हमारे बस का कुछ नहीं, ऑक्सीजन का भी खुद इंतजाम करो, बेड का भी खुद इंतजाम करो, वेंटिलेटर का भी खुद इंतजाम करो, दवा का भी खुद इंतजाम करो। आप बताइए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन 25,000 रुपये के ब्लैक में मिलता है, तोसीला जोम का इंजेक्शन 6 लाख से 10 लाख की ब्लैक में बिकता है, क्या खट्टर साहब और मोदी जी को पता नहीं? फेबी फ्लू की गोली ब्लैक के अंदर बिकने लग रही है, पैरासीटामोल की गोली मिलती नहीं है। ये सरकार है या सर्कस है, ये बात है। पोस्ट कार्ड के जरिए आपने अभी थोड़े समय पहले बहुत बढ़िया तरीके से कविता के जरिए पेश किया था, सरकार पर तंज कसा था। वाकई जो स्थिति है काफ़ी भयंकर बन चुकी है, तो यदि सरकार इस पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो उस स्थिति में कांग्रेस क्या? देखिए, देश में स्थिति मार्मिक है और वो शब्द देश की पीड़ा को, प्रदेश की पीड़ा को उजागर करते हैं। आप बताइए, पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने टोकन से चिता जलाने का इंतजाम करवाया। क्या आपने कभी सोचा था 73 साल देश की आज़ादी के बाद अगर अपना पिता, माँ, परिवार के सदस्य की डेथ हो जाए तो टोकन लेंगे उसका, चिता जलाने का भी? ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी, जजप्पा, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है जो टोकन से चिताएं जलवाते हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने इस दौरान पीपी किट भी बांटी। बता दें कि देश में पहली बार कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 4,14,182 मामले आए। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी रिकॉर्ड 3,979 छू गया। हर रोज अस्पतालों में बगैर ऑक्सीजन के मरीजों की मौत हो रही है। गोलाचीका से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।